अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आशा केक एंड कुजीन। कैसे हैं आप लोग? सब उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज जो मैं आपको डिश बनाना सिखा रही हूँ वो वन ऑफ माय फेवरेट डिश। आज हम सीखेंगे कीमा करेला। और आई होप कि ये बहुत से लोगों की और बहुत फेवरेट डिश होती है। तो आज हम जो कीमा इस्तेमाल करेंगे वो चिकन का होगा। वैसे बीफ के साथ भी अलग बताऊँगी, उसका टेस्ट अलग होता है, बट आज हम चिकन के कीमे के साथ सीखेंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट। जो है वो करेला इस तरीके से काट कर इसको जो है वो नमक के पानी से धो लिया है। तो अब ये ड्राई हो गया है, मैंने इसका पानी ड्राई कर लिया है। सबसे पहले मैं कीमा करेला बनाने के लिए करेलों को फ्राई करूंगी, इसका टेस्ट बहुत मज़ेदार आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने तेल रखा हुआ है कढ़ाई में और अब मैं करेले बिल्कुल नॉर्मल आंच पर आपने इसको वो करना है, ना तेज हो ना स्लो हो। नमक के पानी से करेलों को धोने का सिर्फ मकसद ये होता है हमारा कि उसकी कड़वाहट जो है वो कम हो जाती है। आई नो कि ये बहुत से लोगों को पता होगा क्योंकि ये हमारी बड़ी पुरानी जो है वो एक टिप चलती चली आ रही है और बहुत से लोग आज भी जो है वो करेलों को नमक के पानी से धोते हैं, तो क्योंकि हमने उसकी कड़वाहट कम करनी होती है। तब तक जो है वो करेला हमारा फ्राई हो रहा है, तब तक मैं प्याज को बराबर वाली कढ़ाई में फ्राई करना शुरू कर देती हूँ ताकि एट अ टाइम जो है वो दोनों काम हमारे स्टार्ट हो जाएं। तो सबसे पहले 1/4 कप ऑयल में 1 कप स्लाइस प्याज डाल के हम फ्राई करेंगे। अब ये देखिए ये वाला गोल्डन कलर बहुत खूबसूरत लगता है, बस इतना आपको फ्राई करना है कि इसका कलर जो है ये इस तरह से गोल्डन सा। अब ये देखें प्याज जो है आपकी पिंकिश लाइट गोल्डन सी हो जाए इस तरीके से, तो फिर आप इसमें ये टमाटर, मैंने 3 मीडियम टमाटर लिए हैं, आपको चॉप करके डाल देंगे। मैं ये 750 ग्राम कीमा है ये डाल दूंगी। अच्छा, अब मैं इसमें मसाले डालूंगी क्योंकि अब हमने कीमा डाल दिया तो ये भून रहा है। अब ये मसाले कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून, पिसी लाल मिर्च 1.5 टीस्पून, ये पिसा गरम मसाला है 1 टीस्पून, काली मिर्च 1/4 टीस्पून और हल्दी भी 1/4 टीस्पून। तो ये डालूंगी मैं इसमें सारे मसाले। इसमें सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट है। अच्छा, इसमें अब 1.5 मैं अदरक लहसुन डालूंगी टेबल स्पून जो है। अच्छा, अब इसको मैं सिर्फ हार्डली 2-3 मिनट जो है थोड़ा सा ढककर पकाऊं। अच्छा, अब इस मौसम की जो सबसे बेस्ट सौगात लगती है मुझे वो ये है कैरी, सही है ना? ये कैरी मैं डालूंगी इसमें। ये तकरीबन आप समझ लें कि ये मैंने इसमें कैरी डाली है 5 टेबल स्पून, बिल्कुल चॉप करके इसको डाल लें तो इसका टेस्ट जो है ना बहुत मज़े का होता है। अच्छा, अब इसके अंदर ये जो करेला फ्राई किया था ये डाल दूंगी। अब इसमें हरा धनिया और हरी मिर्चें डाल के बस अब 2-3 सेकंड के लिए और पकाएंगे एंड नाउ इट्स रेडी टू सर्व। अब मैं इसको डिश आउट कर लूंगी। जी, तो फाइनली मेरा कीमा करेला जो है वो रेडी हो चुका है, मेरी रोटियां भी तैयार हैं और मैं अब आपको टेस्ट करके बताने वाली हूँ कि ये बना कैसा है। आप पहले एक बात बताइए, आप मेरी बात पे कितना यकीन करते हैं? जस्ट बिलीव मी, सिर्फ मेरे कहने से इसको एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। और कैरी का जो टेस्ट आ रहा है ना वो खटास सी ऑसम जबरदस्त। तो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द एक नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। इसको बनाकर ट्राई जरूर कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह।